अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल हैरियत से हों। तो जी, ये सैटरडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इस वक्त ना हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना नाश्ता करने लगे हैं। तो रीबा तो आज कॉलेज गई है क्योंकि सैटरडे को उसका ऑन होता है, लेकिन हनान और मुर्तज़ा ना दोनों घर पे ही हैं, तो इसलिए ना ये दोनों जल्दी उठ गए थे। तो जल्दी उठ गए तो इन्होंने मुझे भी उठा लिया था और इसलिए फिर जल्दी से ना मैंने नाश्ता बनाया है। मैंने कहा कि चलो हम तो बैठ के करते हैं यहाँ पे, और रीबा जब आएगी ना तो फिर उसको हम लहदा से दे देंगे। तो यहाँ पे ना कल रात को ना हम लोगों ने डिनर में ये हलीम खाई थी। तो ये हलीम ना हमें हनान के चाचू दे के गए थे, तो रात को थोड़ी सी हमने खा ली और बाकी जो बच गई थी तो इसे मैंने ना मॉर्निंग में तड़का लगा के ना तो गर्म कर लिया है। थोड़ा सा देसी घी का ना मैंने इसे तड़का लगाया है और ये काफ़ी मज़े की भी थी। और ये हलीम ना मुझे वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है, मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है, तो इसलिए ना मैं बड़े खुश होके इसे खाती हूँ। और मैं ना हनान से कह रही थी कि नान जाके ले आओ, तो ये गया नहीं है, तो कह रहा था घर में डबल रोटी है। एक्चुअली हम लोग ना कल रात को ही ब्रेड लेके आए थे, तो हनान यही कह रहा था कि कल रात को तो नाश्ता लेके आए हैं, अब वही आप गर्म कर लें, स्लाइस टोस्ट कर लें और साथ हम हलीम खा लेंगे। फिर मैंने ना ज़बरदस्ती ही अंडे फ्राई किए हैं क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे थे, तो मैंने यही कहा कि फिर नेक्स्ट ना आगे गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो अंडे खाए नहीं जाएंगे, तो अभी फ़िलहाल तो खा लो क्योंकि यही चंद दिन है, फिर बाद में गर्मियों में तो बिल्कुल भी खाए नहीं जाते। और ये दोनों ना बैठे हुए थे इसी तरह से ही, तो मैं ना बस चाय बना रही थी। मैंने कहा कि चलो नाश्ते से फारिग होके ना बाद में चाय पियेंगे, क्योंकि फ़ौरन ही फिर चाय पीने को भी दिल चाहता है। सुबह सुबह तो हम लोग एक बड़ा सा कप पीते हैं ना, तभी फिर आँखें खुलती हैं, तभी होश आता है कि बाकी के भी अपने सारे दिन के काम कर ले। तो मैं किचन में चाय बना रही थी तो इतनी देर तक ना ये दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आऊँ और इनको ना डाल के दूँ खाना। तो खुद ये डालते नहीं हैं, बस मुझे ही इनको डाल के देना पड़ता है। और यहाँ तक कि ना अरीबा भी खुद नहीं डालती है, उसके सामने भी चाहे कोई भी चीज़ पड़ी हो ना तो वो मुझे ही कहती है कि आह मुझे डाल के दें खाना। तो बस ना इनको भी इसी तरह से ही आदत है, हालांकि मैं इनको कहती हूँ कि आप लोग ना खुद ही डाल के खाया करो, लेकिन ना बस ये इसी तरह से ही करते हैं, मेरा वेट करते रहते हैं। और नाश्ता वगैरह तो हो गया था, चाय भी हम लोगों ने पी ली थी। और यहाँ पे ना मैंने मुर्तज़ा और हनान के लिए भी चाय बनाई थी, लेकिन हनान ने नहीं पी थी, मुर्तज़ा ने पी ली थी मेरे साथ। और फिर बाद में ना हनान का कप हमने हरीबा के लिए रख दिया था। और अब ना जो कल मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था ना, जो सब्जियां वगैरह मंगवाई थी, तो उनमें ना मैंने मेथी भी मंगवा ली थी। इसको ना मैंने इसी तरह से ना फ्रिज में रख दिया था, तो मैंने सोचा कि कल ना दिन के वक्त में ही बनाऊंगी, क्योंकि कल तो आते आते सब्जियां शाम ही तकरीबन हो गई थी, तो मैंने ना फिर इसको रख दिया था फ्रिज में। और अभी ना यहाँ पर बैठ के तो मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि अभी मेरी हेल्पर भी आई हुई थी, तो वो ना साथ साथ काम कर रही हैं, साथ साथ हम लोग गपशप भी कर रहे हैं, तो ये ना फ्री टाइम था मेरे पास। और आज ना मुझे डस्टिंग वगैरह भी नहीं करनी थी, क्योंकि कल की ना मैंने बड़ी अच्छी सी डस्टिंग की हुई है, तो आज मैंने सोचा कि बस ना आज डस्टिंग को हम लोग छोड़ते हैं और ये जो सब्जियां वगैरह हैं तो इन्हें बना के मैं रख लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम ना ऊपर करके भी पढ़ लिया करो, अच्छी तरह वो अपना हर्जना ना किया करो। कौन सी शलवार कमीज पहन लो, वो ब्राउन कलर की शलवार कमीज है वो पहन लो, इजी हो गए ये पैंट में, फिर इजी नहीं हो गया। मिली आपको नान, इसको तरह निकाल दे कपड़े, हाँ जी हनान जरा इसके कपड़े सही कर, छोटा बच्चा है अभी। छोटा बच्चा है, कपड़े पहनने नहीं आ रहे।
सर्दी है तो अब खत्म हो गई है। आज इतनी तेज धूप निकली है, गर्मी लग रही थी, मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई हूँ। ठीक है, कपड़े इधर ही रख दू। चलो अब जल्दी से ना चले जाओ फिर ट्यूशन। तो मैं यहाँ पे फिलहाल तो मेथी बना रही हूँ, और अभी ना काम से फारिग हो के ना तो किचन से फारिग हो के तो मेरी हेल्पर भी थोड़ी सी मेरे साथ बना देंगी। इस तरह 2-3 हाथ लगते हैं ना तो सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। और पहले तो मेरे साथ ना मेरी अम्मी बनाया करती थी ना, तो मैं इतना याद कर रही थी, मैंने कहा पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता था, अम्मी बैठे बैठे ना काफ़ी सब्ज़ियाँ मुझे बना के दे देती थी, और फिर मुझे तो आसानी रहती थी, उनको धोने का काम ही मेरा होता था और बाकी सब्ज़ियाँ बनाने वाला काम अम्मी कर लिया करती थी। लेकिन अब ना ये काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। और दूसरी तरफ से ना मुझे मुर्तज़ा भी आवाज़ें दे रहा था, क्योंकि इन दोनों ने ना आज जल्दी ट्यूशन जाना था, सैटरडे को ये लोग जल्दी ट्यूशन जाते हैं, क्योंकि ये घर ही होते हैं ना, स्कूल वगैरह नहीं जाते सैटरडे को, तो इसलिए ना इनका ट्यूशन का टाइम भी जल्दी का ही होता है। तो चलिए जी, बच्चे तो चले गए हैं ट्यूशन, और इतनी देर में ना रीबा भी आ गई थी, तो जैसे ही बच्चे जाने लगे ना ट्यूशन तो रीबा आ गई थी, तो बस मैंने उसे खाने पीने के लिए दे दिया है। और इसके बाद ना यहाँ पे मैं मेथी लेके आ गई हूँ बाहर टेरेस में, तो मैंने ना आज खरगोशों को इधर छोड़ा है, मैंने कहा कि पास बैठ के ही ना ये थोड़ा सा ना यहाँ पे फिर लेंगे, क्योंकि पहले टेरेस में ये खेलते थे ना, फिरते थे तो बड़ा ज़्यादा खुश रहते थे, लेकिन जब से ये इनको मैंने रूम में बंद किया है ना, ये बिल्कुल मुरझा से गए हैं, ऐसे ही गुमसुम बैठे रहते हैं बस पिंजरे में। तो मेरी हेल्पर भी पास बैठी हुई थी और मैं भी बैठी हुई थी, और हमने ना पास बैठे बैठे ही ना इनको यहाँ पे छोड़ा था। और जब से चेरी को बिल्ली मार के गई है ना, तो तब से चेरी इतना ज़्यादा डरा हुआ है ना, तो वो हर वक्त ही सहमा रहता है और ना कुछ ठीक से खाता है ना पीता है, बस इसी तरह से ना सहमा हुआ गुमसुम सा बैठा रहता है। तो आज थोड़ी देर के लिए वो बाहर निकलता था गमलों के पीछे से और फिर वापस छुप जाता था। तो मैं और मेरी हेल्पर ने यही बात कर रहे थे, मैंने कहा कि 3-4 माह ये इतने आराम से यहाँ पे फिरते रहे हैं ना, बल्कि हम लोग ना इनको सुबह मॉर्निंग में ही यहाँ पे मैं छोड़ देती थी, और फिर शाम के वक्त में ना मगरिब की अजान से पहले इनको बंद किया करती थी, और तब ना दिल में कोई डर भी नहीं था, कोई फिक्र भी नहीं थी, तो ये सारा दिन फिरते रहते थे। और अब जैसे ही आज मैंने थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ा ना, तो ऐसे दिल डर रहा था कि कहीं से कोई बिल्ली ना आ जाए, कहीं से कोई चील वगैरह ने इनको पकड़ के ले जाए। तो जब दिल में डर बैठ जाता है ना, फिर काम करते हुए ना बड़ी परेशानी होती है। तो आज ना बस डरे डरे मैंने भी इनको यहाँ पे छोड़ा, और फिर थोड़ी देर बाद ही इनको मैंने वापस पिंजरे में बंद कर दिया। मैंने कहा कि चलो वहाँ पे सेफ तो रहते हैं ना। और बस फिर मेरी हेल्पर तो चली गई थी काम करके, और जो शाम का टाइम होता है ना जब बच्चे ट्यूशन गए होते हैं, तो उस वक्त ना मैं वीडियो की वॉइस ओवर वगैरह का काम करती हूँ, क्योंकि वो टाइम मेरा फ्री होता है। तो मैं कहती हूँ कि जो मुझे अपने काम करने हैं ना वो मैं करके इस वक्त फ्री हो जाऊँ, ताकि बच्चों के गए गए ये मेरा काम भी हो जाए। और आज ना फिर मैंने ना मेथी वगैरह बना ली थी ना, तो आज मैं बनाने लगी थी मिक्स वेजिटेबल्स, तो मेरा इतना दिल चाह रहा था ना, इस सीज़न में मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनाई ही नहीं है, बस मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, तो मैंने बनाई भी नहीं। और अब ना आज मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना, मैंने कहा कि आज मैं ना जल्दी जल्दी से ना पहले ये काम करती हूँ कि खाना वगैरह बना के रख लेती हूँ। तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने ना आज जल्दी ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, और आटा भी मैंने मशीन में लगा दिया था, तो वो भी गूंदा गया है। आटा भी ना आज खूब अच्छी तरह से गूंदा गया है, क्योंकि मैंने डाला भी थोड़ा सा ही था, मैंने कहा कि चलो थोड़ा थोड़ा आटा ना, अब गर्मी आगे से आ रही है तो ज़्यादा आटा गूंद के रखना भी ठीक नहीं होता, फिर आटा ना फ्रिज में भी ठीक नहीं रहता, लेकिन अभी तो चलो मौसम थोड़ा सा ठंडा है ना, तो फिर ना 2 दिन का आटा मैं तकरीबन गूंद लेती हूँ, आज खाएंगे और इसके बाद कल खाएंगे, इस तरह से ना 2 दिन का आटा मैं गूंद लेती हूँ। तो आटा मैं गूंद के यहाँ पे काउंटर टॉप पे ही रख दिया है मैंने, और इसके बाद ना जल्दी जल्दी से ना मैं मिक्स सब्ज़ियाँ बनाने लगी हूँ। तो बस जो मसाला तैयार करते हैं ना उसी तरह से रेगुलर जो मसाला तैयार करते हैं, प्याज हल्का सा गोल्डन करके, फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला और उसको भी भुनाई उसकी कर ली थी, और बाद में ना मैंने टमाटरों की पेस्ट डाल दी है। तो टमाटर ना अब मेरे पास ना ताज़ा बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं, तो मैं अब कल जाऊँगी तिवार बाज़ार और वहाँ से लेके आऊँगी टमाटर, तो इसलिए जो फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे ना तो उनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है,
और जब से मेरा ब्लेंडर ख़राब हुआ है ना, तो इतना ज़्यादा ना मुझे इसका ना मसला हो गया है कि कोई भी काम करते हुए ना, फिर बस मुझे ना बड़ी इस तरह से अपनी ब्लेंडर मशीन याद आती है कि वो अब ख़राब है। तो मैं यही कह रही थी, मार्केट अब जाऊँगी ना तो उसे चेक करवा के लाऊँगी कि पता नहीं उसमें क्या मसला हो गया है। हालाँकि मैंने तो इस्तेमाल भी नहीं की इतनी ज़्यादा, तो बस ना ऐसे पड़े पड़े ही वो ख़राब हो गई है। क्योंकि गर्मियों में ही हम लोग लस्सी वगैरह उसमें बनाया करते थे, और अब तो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं हुई सर्दियों में, सर्दियों में ऐसे ही बंद पड़ी रही है। कभी हम टमाटर वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ना चलो मार्केट जाऊंगी ना तो फिर पता चलेगा कि अब इसके साथ क्या मसला हुआ है। और अब ना सबसे पहले ना मैंने इसमें मटर डाले हैं, क्योंकि ये मटर ना काफ़ी दिनों के ही मैंने ला के रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको गलने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ताज़ा ताज़ा हो ना तो फिर जल्दी गल जाते हैं, लेकिन फ्रीज़ किए हुए मटर हैं ये और काफ़ी दिनों के भी पड़े हुए हैं, तो इसलिए ना मैंने पहले थोड़ी देर के लिए ना 5 मिनट के लिए मटरों को पहले डाल दिया था हल्के फ्लेम पर। और उसके बाद ना इतनी देर में ही मैंने सोचा कि अब गाजरें भी जल्दी जल्दी से ना मैं काट लेती हूँ, गाजरें डालूँगी और इसके साथ ही ना मैं आलू भी कटे हुए डाल दूँगी। तो गाजरें और आलू मैं इकट्ठे ही डालती हूँ, और इसमें ना मिक्स सब्ज़ी में मेथी का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त लगता है ना, इसकी ग्रेवी सी बन जाती है। और बस इसको ना मैंने थोड़ी देर के लिए ही दम पे रखा, तो मिक्स सब्ज़ियाँ तो हमारी तैयार हो गई थी। इसको मैं ना पानी वगैरह इसमें मैं नहीं डालती, बस सब्ज़ियाँ जो खुद ही से पानी छोड़ती हैं ना, और बिल्कुल लो फ्लेम पे जब ये पकती हैं तो ऐसे कुरकुरी करारी भी रहती हैं सब्ज़ियाँ, और मज़े की भी बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो सब्ज़ियों को गलाने के लिए ना मैं मिक्स सब्ज़ियों में पानी वगैरह नहीं डालती हूँ, बस इसी तरह से ना दम वाली आँच पे ही इनको बनाती हूँ। और आज ना मैं साथ में घी वाली रोटियाँ बनाने लगी हूँ, क्योंकि मिक्स सब्ज़ियों के साथ इतनी अच्छी लगती है ना घी वाली रोटी। अगर हल्का सा पराठा भी बनाया जाए, या पराठा ना भी बनाया जाए, रोटी के ऊपर ही घी लगा लिया जाए ना, तो वो भी बड़े मज़े का लगता है। तो ना मैंने देसी घी रोटी के ऊपर लगा लिया है, इस तरह से अगर मैं अलहदा से रोटी उतार के उसके ऊपर देसी घी लगाऊंगी ना, तो फिर वो नहीं खाते मेरे बच्चे, तो इसलिए ना मैंने तवे के ऊपर ही घी लगा दिया था। और अपने लिए ना यहाँ पे मैंने सादा रोटी बना ली है, क्योंकि मैं घी वाली रोटी नहीं खाती हूँ, तो बच्चों को मैंने घी वाली बना दी है और अपने लिए सादा रोटी बना ली है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।